लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए टेक महतो को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप सीनियर सिटीजन में किस प्रकार बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले जो है आपको अपने IRCTC ऐप को जो है ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आप इस पर लॉगिन हो जाइए, जो भी आपका पिन है वो इसमें एंटर कर दीजिए और यहाँ पे हमें कैप्चा हमें इसमें टाइप करना है। और इस पर हमें लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है प्लान माय जर्नी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम में आपको जिस स्टेशन से आपको ट्रैवल करना है और जहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे आप उसका कोड डाल दीजिए, जैसे कि मैंने पहले से ही डाल रखा है। इसके बाद आपको नीचे आपको डेट सेलेक्ट करना है। तो मुझे 28 तारीख को मुझे ट्रैवल करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है कोटा, तो यहाँ पे जनरल कोटा अभी सिलेक्ट है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जनरल कोटा पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लेडीज़ कोटा तत्काल, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है लो बर्थ सीनियर सिटीजन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है अगर मेल के लिए 60 साल और फीमेल के लिए 45 साल दिया गया। अगर आपके 45 साल से ऊपर उम्र है तो आप जो है सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो मतलब आपको जो है फिर आपका किराया जो है मतलब कि आपको सीट मिल जाएगी रेलवे में। तो इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना ट्रेन सेलेक्ट कर ले और स्लीपर जिसमें भी आपको चाहिए उस बर्थ को सेलेक्ट कर ले। अब आपको करना क्या है, यहाँ से अपने डेट पे सेलेक्ट करना है और गो टू पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 42 सीट अवेलेबल है और ये ट्रेन की टाइमिंग जो है आपको मतलब कि दिल्ली से चलने का टाइमिंग और पहुँचने का टाइमिंग सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एड न्यू पे क्लिक करने के बाद पहले तो आपको यहाँ पे अपने पैसेंजर का नेम एंटर करना है। तो चलिए मैं नेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें उनका एज एंटर करना है। एज एंटर करने के बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे बर्थ सेलेक्ट कर ले, कौन से बर्थ में आपको चाहिए। जैसे कि मैं अभी लोअर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैंने लोअर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना डिटेल चेक कर लिया, जैसे कि मैंने नाम चेक कर लिया, मेल फीमेल सारा चेक कर लिया। उसके बाद जो है आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं इंश्योरेंस नहीं लेना चाहता हूं तो मैं इसे नो कर देता हूं। फिर इस पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपको जो है नाम यहां पे शो होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहां पे इनका नाम मैंने चेक कर लिया, इनकी उम्र चेक कर लें, मेल फीमेल चेक कर लें। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसे स्लाइड करना है और नीचे यहाँ पर कैचअप जो है एंटर कर देना है, कैप्चा जो है आपको एंटर कर देना है। चलिए एंटर कर देते हैं। और प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर दे। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, भी हो सकता है सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है इसका, ये इनवैलिड कैचअप हो गया तो चलिए कैप्चा हो गया। तो चलिए इसमें दोबारा एंटर कर देते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम पेमेंट पे आ चुके हैं। पेमेंट पे आने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ से अपना वॉलेट या हम भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC का वॉलेट, जियो मनी, मूवी क्विक, ओला मनी, पेटीएम, एयरटेल मनी, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है भीम यूपीआई का यूज करना चाहता हूँ। तो भीम यूपीआई में आप देख सकते हैं फ़ोन पे आपको हर जो है कंपनी का यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैं फ़ोन पे यूज करना चाहता हूँ तो मैं फ़ोन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है हमें पे पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फ़ोन पे वॉलेट है, यहाँ पे हमें अपना नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास OTP आएगा, इसके बाद जो है हमारा पेमेंट हो जाएगा। चलिए OTP एंटर कर देते हैं, लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे कि हमारा जो टोटल पेमेंट जो है हमें 537.70 रुपये का करना है, तो हमें पे पे क्लिक कर देना है। पे पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमें अपने मोबाइल ऐप पे आना है। तो चलिए मोबाइल ऐप पे आ जाते हैं। जैसे ही आप अपने मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पेमेंट का यहाँ सीधा लिंक मिल जाएगा, आपको पे पे क्लिक करना है। आपको किस बैंक से पेमेंट करना है, जैसे मैं अपने SBI से करना चाहता हूँ, तो हम मुझे अब करना क्या है पे पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अपना जो भी मेरा पिन है वो मैं इसमें एंटर कर दूँगा। जैसे कि देख सकते हैं हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए हम अपने ऐप पे आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टिकट जो है बुक हो चुका है। अब हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हमें हमारा PNR नंबर भी मिल चुका है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा S5 में 25 नंबर जो है लोअर सीट हुआ है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप तत्काल टिकट बुक कर सीनियर सिटीजन में आप बुक कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन टिकट बुक कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।